बलिया में छात्र नेता हेमंत यादव की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। सतीश चंद्र कॉलेज से परीक्षा देकर निकल रहे छात्र नेता समेत दो लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में अब पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए बैट को भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि हेमंत यादव की हत्या का मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि छात्र की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई है। कुछ समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि बलिया में छात्र नेता हेमंत यादव की हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है।